वक्त हमारे समक्ष है साईराज इंफ्रावेंचर के डायरेक्टर मिस्टर अक्षय बोगुलवार। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जैसे आपका जो इंफ्रावेंचर जो व्यवसाय है, तो आप ये बताइए किस तरह का अपने इंफ्रावेंचर में डील होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो चल रहा है उसमें किस तरह का डील होता है, क्या आप लोगों की एक्टिविटीज उस बारे में बताइए। इंफ्रावेंचर का मतलब ऐसा है कि मेरे तरफ मैंने सभी टाइप की सर्विसेज रखे हैं, राइट फ्रॉम द प्लानिंग, सैंक्शनिंग, डिजाइनिंग, मेरे पास पूरा टीम मैंने उस हिसाब से रखा है, जिसमें आपको यानी चाहे वो घर बांधना रहे या फ्लैट स्कीम करना रहे या रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रहे, उस तरह से मैंने प्रोजेक्ट ऐसे डिजाइन किए हुए और अफोर्डेबल प्राइसिंग और इसके हिसाब से देखा जाए यानी प्लानिंग के हिसाब से, तो जिसका जितना बजट है मैं उसके हिसाब से अपन प्लानिंग करते हैं, नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो नॉट इन लोअर वर्जन ऑल्सो। कोरोना के बाद लोगों को यह समझ में आया है कि उनको एक नेचुरल हाउसिंग की डिमांड बढ़ी है, तो इसमें से बायर्स लोगों को रुझान काफी बढ़ा हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो आप ये बताइए कि किस तरह का एक अफोर्डेबल हाउसिंग आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं या किस तरह के आप लोगों की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है, इस बारे में बताइए। एक्चुअली कोरोना के बाद में मार्केट में प्राइसेस का बहुत बड़ा हाइक हुआ है, जिसके वजह से कंज्यूमर के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ है, अल्टीमेटली उनके ऊपर क्रिएट होना मतलब हमारे ऊपर भी हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलते हैं, उनकी भी कंडीशन को समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी का बजट एक्स अमाउंट है और हम लोग वाई अमाउंट कोट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्स और वाई के बीच में का कोट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वो पास में आके यानी हमारे साथ वो जुड़ जाए करके, तो कहीं ना कहीं हम भी बेयर कर रहे हैं जो बिल्डर्स है नागपुर में, कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, इंटीरियर वाले हो गए, सभी लोग उस तरह से कर रहे हैं, उसी में से वन ऑफ द पर्सन मैं भी हूँ जिसमें कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। सर जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आए दिन देखा जाए काफी बढ़ोतरी हो रही है, तो आप ये बताइए इसका इफेक्ट प्राइस एस्केलेशन में फ्लैट के यूनिट्स में जो अपन सेल करते हैं उसका इम्पैक्ट कितना परसेंट हुआ, उस बारे में बताइए। वो तो डिपेंड्स ऑन बायर एंड सेलर के ऊपर डिपेंड है, एक्चुअली स्पेसिफिकेशन किस हिसाब से वो भी मैटर करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक कम से कम 20-25% तो राइज हुआ है बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। जैसे कि सर अपना जैसे जिसको ओल्ड हाउस ओल्ड प्लॉट है जैसे आप परचेस करते हो, रिनोवेशन कराते हो, फ्लैट स्कीम में आप तब्दील करते हैं, तो आप बताइए तो उसमें मेजर बेनिफिशियरी मतलब जैसा भी जिससे आप बायर्स से परचेस करते हो, हाँ, तो आपको उसका क्या गेन होता है, उस बारे में बताइए। गेन मींस एज इफ जैसे रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जब देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, किसी को रेंट 20,000 रुपए चाहिए ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंडीशन हमको लेके चलना पड़ता है और हम दोनों का एडजस्टमेंट कर लेना पड़ता है, तो हो जाता है वो सक्सेस। जैसे कि अभी देखा गया कि पीएम वाई सब्सिडी भी स्लैश हो गई है, इवन मेट्रो सेज भी लग गया है, बराबर। तो जैसे जब हम वर्धा रोड की बात करते हैं यहाँ की, हाँ, तो वहां पे किस तरह के हालात है प्रॉपर्टी में, उस बारे में बताइए। भले ही स्लैश हुआ है लेकिन मार्केट अभी भी अप चल रहा है, जैसे रेट भी बढ़े हुए हैं लेकिन अब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है लोगों के पास में, सो वर्धा रोड का तो एकदम मार्केट उठ चुका है, अभी ऐसा डाउनफॉल नहीं है उसमें, अभी कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि सोमलवाड़ा से बुट्टीबोरी कुछ डिस्टेंस बचेगा नहीं, बुट्टीबोरी पहुंच गए मतलब नागपुर पहुंच गए ऐसा होने वाला है, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है वहां पे। कई बिल्डर्स अपने अपनी टाउनशिप बना रहे, कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लेके बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइए काफी बिल्डर्स लोग बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह की स्कीम दे रहे, कई तरह के प्रलोभन दे रहे कि ताकि हमारे स्कीम में वो इन्वेस्ट करे, तो आप ये बताइए तो उसका इम्पैक्ट बायर्स पे किस तरह से हो रहा है, उस बारे में आप बताइए। बायर्स अल्टीमेटली वही मैंने थोड़ी देर पहले वही बोला था कि बायर्स एंड सेलर के ऊपर ही डिपेंड है ये सब कुछ चीजें, तो कहीं ना कहीं सेलर को भी थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ रहा है, सो अफोर्डेबल इसमें ही जा रहे हैं, जैसे पहले फॉर एग्जांपल हम फ्लैट स्कीम में सिर्फ मॉड्यूलर किचन देते थे, अभी लोग पीओपी भी देना चालू किए हैं, बहुत सारे बिल्डर्स ने अभी ऑफर देना चालू किए, सो दैट एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एमिनिटीज में बहुत सारी चीजें अपन ने एक्स्ट्रा की हुई है,
पहले बहुत सिंपल बिल्डिंग बनती थी, अभी एलिवेशन वाइज भी देखा जाए तो वो अट्रैक्टिव बनता है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी है, बट प्राइस के कंपैरिजन में उतना ही है अभी भी जितना पहले था। शहर और विदर्भ के दर्शक साईराज इंफ्रा वेंचर के डायरेक्टर मिस्टर अक्षय गोगुलवार को लाइव देख रहे हैं। ये आपका एड्रेसेस और फोन नंबर भी हमारे स्क्रीन पे ऑल आउट हो रहा है, उसे देख के वे वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, आपसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इवन साइट विजिट या ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। तो अक्षय जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जब अपन आपके इंफ्रा वेंचर की जब बात करते हैं हम लोग, तो आप ये बताइए किस तरह के आप लोगों के भी साइट चल रही है, कहाँ कहाँ पे आपकी यूनिट्स अवेलेबल है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और क्या उसका स्टेटस है, उस बारे में बताइए। अभी मेरा करेंटली बंगलोस कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू है, फ्लैट स्कीम चालू है, लक्ष्मी नगर, मनीष नगर, इवन मानेवाड़ा, और एक अभी न्यू मनीष नगर में भी अभी चालू होने वाला है। और दूसरी बात, इंटीरियर के भी प्रोजेक्ट चालू है मेरे, और अभी कुछ स्टेटस ऐसा है कि यानी कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे आ रहे हैं और कुछ अभी ऑनगोइंग जस्ट चालू हुए हैं इस तरह से। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी काफी बायर्स है जो परचेस करना चाहते हैं, फ्लैट्स परचेस करना चाहते हैं, आपके स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक फाइनेंस एक बहुत मेजर इशू रहता है, कई तरह बैंकों से आपका टाइप भी रहता है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए किस तरह फाइनेंस आप अवेलेबल कराते हो, किस तरह की कंडीशन होती है, उस बारे में बताइए। ऑब्वियसली जब कोई प्रोजेक्ट होता है एज अ बिल्डर देखा जाए तो कितने भी पैसे रहेंगे तो भी कम पड़ते हैं, जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ती है उतनी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन भी बढ़ाना पड़ता है, सो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं, तो ऑब्वियसली फाइनेंस अपने को लगता ही है। सो वी प्रोवाइड बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो, दोज हु आर हैविंग अमाउंट विद देम, एंड वी कैन ऑफर बेस्ट डील। सर, जो स्कीम आप बनाते हो पर्टिकुलरली, देखा गया कि काफी ऐसा आरोप लगे है बिल्डर्स पे कि वे थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि उनको भी कॉस्ट का भी देखना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि आपकी किस तरह से मतलब मटेरियल यूज करते, क्या उसकी स्टेटस है, क्या क्वालिटी होती है, उस बारे में बताइए। जब भी मेरा प्रोजेक्ट चालू होता है तो मैं पहले ही डिटेल में सब कुछ लिख के दे देता हूँ, सो दैट वो ब्रांड वाइज क्वालिटी वाइज सब कुछ उसमें मेंशन रहता है, रेट वाइज भी मेंशन रहता है, सो दैट कि वो कभी भी मुझे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इवन इफ एक कस्टमर को जब मैंने फ्लैट सेल किया है तो वो आधी रात में भी जाके देख चेक करके आता है, तो ही कैन हैव एश्योरिटी दैट कि जो बिल्डर ने बोला था वो किया हुआ है। दूर दराज के दर्शक अक्षय सर आपको लाइव देख रहे हैं, तो कोई दर्शक यदि आपके यहाँ आते हैं ऑफिस में विजिट करते हैं, तो क्या आपके यहाँ किस तरह के मतलब साइट विजिट की फैसिलिटी है? साइट विजिट में मेरा स्टाफ है जिनको मैं आपके स्थाने, जब कोई क्लाइंट आता है तो जब प्लानिंग सैंक्शनिंग एंड ऑल का सब कुछ डिस्कशन होता है तो मैं मेरे साइट विजिट के लिए स्टाफ आपको अवेलेबल करके दे सकता हूँ। जैसे कि आपने बताया अंडर वन रूफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या अपने परचेस संबंधी फ्लैट संबंधी आपके यहाँ पर हर फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो सर आप ये भी बताइए ज्यादा से ज्यादा बायर्स इन्वेस्टर्स आपके स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको जैसे रिनोवेशन का जैसे आपने बताया, रिडेवलपमेंट का बताया, इसमें भी उन्होंने ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो आप ऐसे क्लास को किस तरह का एक मैसेज दोगे या क्या आह्वान करोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं इस टाइप का काम करने वाले, लेकिन जब भी आप किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, सो मेक श्योर दैट प्रोफाइल शुड बी ऑफ दैट कंपनी शुड बी फाइन एंड करेक्ट, सो दैट योर मनी इज ऑल्सो सेफ, और आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू।